चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में दोस्तों आईपीएल का मैच नंबर 41 खेले जाने वाला है चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई पे। और दोस्तों अगर आप लोग इस मैच के लिए अपने लिए एक फैंटेसी की टीम बनाने की सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्टार्ट्स, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेयर परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट मैचअप्स, जो कि आप लोगों को मदद करेगी अपने लिए एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर वेन्यू रिकॉर्ड को। ओके दोस्तों, अगर यहां पर मैं बात करूं चिदंबरम स्टेडियम पे 3 मैचेस खेले जा चुके हैं, तीनों मैचेस के स्टैट्स को समझते हैं। पहला मैच दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुआ। चेन्नई सुपर किंग ने यहां पर 217 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे और लखनऊ सुपर किंग भी 200 रन तक पहुंच गई थी। हुआ गया था दोस्तों इस मैच में 4 विकेट पेसर को थे, 3 विकेट स्पिनर को थे, सेकेंड इनिंग्स में 2 विकेट पेसर को थे, 5 विकेट स्पिनर को थे, मतलब ओवरऑल 6 विकेट यहां पर पेसर को मिले थे और 8 विकेट यहां पर स्पिनर को मिले थे। सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर ने थोड़ा डोमिनेट किया था। जो सेकेंड मैच खेला गया दोस्तों, ये सेकेंड मैच खेला गया यहां राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में। राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर पहले बैटिंग करा, 175 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट पेसर को मिले थे, 3 विकेट स्पिनर को मिले थे और चेन्नई सुपर किंग की टीम जब इस रन को चेस करने आई तो सिर्फ 172 तक ही जा पाई। 1 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर को मिला, 5 विकेट स्पिनर को मिला। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो 5 विकेट यहां पेसर के हैं और 8 विकेट यहां स्पिनर के हैं। स्पिनर ने सेकेंड इनिंग्स पे डोमिनेट किया, क्लियर। यहां पर भी देखो सेकेंड इनिंग्स पे स्पिनर ने डोमिनेट किया था। जो लास्ट मैच दोस्तों यहां खेला गया वो खेला गया चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने यहां पर सिर्फ 134 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे और चेन्नई सुपर किंग ने इस रन को इजीली चेस कर दिया 3 विकेट के नुकसान पर ही। हुआ क्या, फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट पेसर को मिले थे, 4 विकेट स्पिनर को मिले थे, सेकेंड इनिंग्स में पेसर विकेटलेस गए थे, 2 विकेट स्पिनर को मिला। हुआ क्या, टोटल 2 विकेट यहां पर पेसर को मिले और 6 विकेट यहां पर स्पिनर को मिले। सेकेंड इनिंग्स स्पिनर डोमिनेट, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स में भी स्पिन को यहां पर अब एडवांटेज दिखने लगा, क्लियर। जैसे जैसे दोस्तों वेन्यू के पिच यूज होते जाएंगे, एक बात को ध्यान रखना, पिच स्लो होती जाएगी और स्पिनर एक्शन पे आते जाएंगे, क्लियर। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे इस वेन्यू के बारे में तो दोस्तों यहां पर इस मैच पे होपफुली स्पिन ही आप लोगों को डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। फर्स्ट इनिंग्स पे डेथ के बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और शुरू के पावर प्ले पे जो पेस अटैक रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अच्छे खासे रन बन सकते हैं इस वेन्यू पे। बाकी दोनों टीमों की बात करूं, चेन्नई सुपर किंग्स की और पंजाब किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के इस मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, ये तो था दोस्तों पुराना पिच रिपोर्ट, बट नया पिच रिपोर्ट आप लोग कहां पर देखोगे दोस्तों। न्यू पिच रिपोर्ट जो कि लाइव पिच रिपोर्ट होती है वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं, इंग्लिश, हिंदी और वॉइस, तीनों मोड में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। जिस भी मोड में आप लोगों को पसंद हो आप लोग उसी हिसाब से पिच रिपोर्ट को देख सकते हो। ये उन भाई लोगों के लिए है जो लाइव पिच रिपोर्ट देख नहीं सकते बिजी शेड्यूल होने के वजह से या किसी भी और कारण से, क्लियर। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब के चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा, क्लियर। सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है अभी कर दो दोस्तों सब्सक्राइब, बस सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन दबा देना ताकि पूरे आईपीएल में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, क्लियर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन से रहने वाले हैं, इंपैक्ट प्लेयर कौन सा आएगा, कौन सा प्लेयर बाहर जाएगा और इंपैक्ट प्लेयर कौन से पोजिशन पे खेलेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग की टीम पे दोस्तों डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे अजिंक्य रहाणे आते हैं, फिर शिवम दुबे आते हैं, फिर मोइंग अली आते हैं, फिर रविंद्र जडेजा आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे मतीशा पथिराना, तुषार देशपांडे,
महेश थिक्सेना और आकाश सिंह दिखते हैं। क्लियर। वहीं दोस्तों बात करूं आप लोगों से पंजाब किंग्स के टीम की, तो यहां पर शिखर धवन दिखेंगे बट प्रभसिमरन सिंह के साथ ओपनिंग करते हैं। क्लियर। प्रभसिमरन सिंह हर मैच में एज ए इंपैक्ट प्लेयर आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करेंगे फर्स्ट राउंड पोजीशन पे। दोस्तों लास्ट मैच पे अथर्व टाइडे आए थे, उसके बाद सिकंदर रजा आएंगे, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन आएंगे, फिर सैम करन आएंगे, फिर जितेश शर्मा आते हैं, उसके बाद शाहरुख खान आते हैं, उसके बाद राहुल चहर, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार आते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन से। कौन कौन से सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे और कौन सा प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर आया था यहां देखो। देखो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के पास यहां पर अंबती राइडू, ड्वेन प्रेटोरिश, शुभांशु सेनापति, शाइक रसीद और राजवंदर हंगरकर है। ठीक है, होता क्या है, आकाश सिंह हर मैच में अगर टीम पहले बॉलिंग करने आएगी तो आकाश सिंह के साथ आएगी, टीम पहले बैटिंग करने आएगी तो अंबती राइडू के बीच के साथ आएगी। इसका मतलब अंबती राइडू और आकाश सिंह, मतलब अंबती राइडू ने बैटिंग करना होता है और आकाश सिंह ने अपना बॉलिंग करना होता है। क्लियर। ओके वहीं दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम को देखोगे तो यहां पर प्रभसिमरन सिंह दिखेंगे आप लोगों को, मोहित राठे दिखेंगे, ऋषि धवन दिखेंगे, मैथ्यू शॉट दिखेंगे और हरप्रीत बरार दिखेंगे। यहां पर क्या होता है, गुरनूर बरार जो कि बॉलर है ये आउट होते हैं और प्रभसिमरन सिंह इन होते हैं, मतलब प्रभसिमरन सिंह हर मैच पे आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को माई इलेवन सर्कल ऐप का लिंक मिलेगा। दोस्तों एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐप बदल कर पक्का से देखो। अगर अभी तक आप लोग अपने फेवरेट ऐप पर खेल रहे हो तो एक बार रिक्वेस्ट है माई इलेवन सर्कल ऐप पर भी खेल कर देखो। यहां पर भी दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ का ही मिलने वाला है, बट यहां पर एडवांटेज क्या है दोस्तों, यहां पर कॉम्पिटिशन कम है, सिर्फ 20 लाख स्पॉट पे आप लोग यहां पर रैंक 1 लाकर 1 करोड़ रुपए विन कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक को यूज करते हो तो 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस तो मिलता ही है, प्लस फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे दोस्तों आप लोगों को यहां पर 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है, मतलब 1000 रुपए डालोगे ना वॉलेट पे 1200 रुपए आते हैं, सिर्फ इस कोड को यूज कर लेना क्रिक 23। और ये जो 1200 रुपए आएंगे ना ये रियल कैश होगा, बोनस नहीं होगा। क्लियर। तो सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों एक बार पक्का से मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट करने पे नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर माई इलेवन सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग के टीम पे आप लोगों को डिवॉन कॉनवे खेलते हुए दिखेंगे। डिवॉन कॉनवे का वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट के 2 मैच जो इन्होंने इस वेन्यू पे खेले हैं दोनों पे इन्होंने 50 और 77 रन बनाया है, उससे पहले भी यहां देखो 83-56 लगातार 4 हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे थे, लास्ट मैच पे 8 रन पे फ्लॉप हुए थे, बट वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है दोस्तों। 3 मैच खेला है, 87 का एवरेज है, 1 मैच यहां 77 में नॉट आउट है और 50 2 बार बना चुके हैं। एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे दोस्तों, आप लोग अपने टीम पर लेकर ही चलिएगा। क्लियर। महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं तो धोनी डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं, विकेट कीपिंग से आप लोगों को पॉइंट दे सकते हैं बट बैटिंग पे एकदम डेथ के ओवर्स पे आएंगे, मतलब 18वें और 19वें ओवर पे आते हैं। हाँ बाई चांस अगर सीएसके की टीम कोलैप्स हो जाती है टॉप ऑर्डर, जो कि होना काफी मुश्किल लगता है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग सीएसके का बैटिंग लाइनअप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। क्लियर। इसीलिए फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से महेंद्र सिंह धोनी शायद आप लोगों को उतने पॉइंट्स ना दे पाए, यहां पर आप लोगों के लिए डिवॉन कॉनवे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप करके चलूंगा। बात करूं दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम पर आप लोगों को प्रभसिमरन सिंह दिखेंगे, यहां देखो 0-4 फिर 46 फिर 26 फिर लास्ट मैच में दोबारा से 9 रन, कंसिस्टेंसी कम है दोस्तों। और अगर आप लोग चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग लाइनअप को देखोगे तो बॉलिंग लाइनअप अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि प्रभसिमरन सिंह यहां पर स्ट्रगल कर सकते हैं, मैं प्रभसिमरन सिंह को भी ड्रॉप करके चलूंगा इस मैच पे। बात करूं दोस्तों जितेश शर्मा की तो जितेश शर्मा थोड़ा डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं दोस्तों, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि जितेश शर्मा को ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है,
बहुत ही अच्छे बैट्समैन है दोस्तों, बट ये भी इनपे भी एक खराबी है कि ये ना 25-30 रन के इसी रेंज पे आउट होते हैं, ये आउट होते हैं 22-28 के रन के बीच हमेशा, क्लियर। यहां पहुंचेंगे और आउट हो जाएंगे, यहां देखो इसी रेंज पे आउट है, यहां इसी रेंज पे आउट है, यहां इसी रेंज पे आउट है, क्लियर। तो ये भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे, एक तो एकदम लास्ट पे आते हैं दोस्तों, इन्हें ऊपर भेजना चाहिए, अच्छे बैट्समैन है ये, क्लियर। मैं जितेश शर्मा को भी दोस्तों ड्रॉप करके चलूंगा, क्लियर। तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से एक ही प्लेयर रहेगा, डिवॉन कॉनवे। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन पे। अच्छा, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखो आप सभी लोगों के लिए इतना स्टार्ट हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, बिकॉज ये स्टार्ट आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं टीम बनाने के लिए। अगर इन स्टैट्स को देखकर आप लोग 2-3 प्लेयर्स को भी अगर ड्रॉप कर पाओ ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक पक्का से कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को भी पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोगों को ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे डिवॉन कॉनवे के साथ ओपनिंग करते हुए। ऋतुराज गायकवाड़ को देखोगे तो 8 रन 3 रन 35 रन 35 रन, फिर लास्ट मैच में 47 रन, फॉर्म अच्छा है दोस्तों, वेन्यू रिकॉर्ड भी ठीक है, 3 मैच खेला है, 33 का इनका एवरेज है, 57 बेस्ट स्कोर है इस वेन्यू पे, 50 एक बार बना चुके हैं, ओवरऑल रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, देख रहे हो ना लास्ट के 3 मैच से रन बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर रहेंगे, आप लोगों को टीम पर कंसिडर करना चाहिए। बाकी बात करूं दोस्तों अजिंक्य रहाणे की, अजिंक्य रहाणे फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं और शिवम दुबे सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये दोनों आप लोगों के लिए डिफरेंशियल पिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, या तो आप लोग अजिंक्य रहाणे को लेकर चलना या तो आप लोग शिवम दुबे को लेकर चलना। लास्ट के 3 मैच जिसपे शिवम दुबे ने बैटिंग कराया है, 3 मैच में 50 रन बनाए हैं, वो भी ताबड़तोड़, यहां देखो 52 यहां बैटिंग नहीं किया, फिर 50 फिर 52, क्लियर। सेकेंड इनिंग्स में शायद उतने इंपॉर्टेंट ना रहे, बट फर्स्ट इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अजिंक्य रहाणे को भी देखो तो इनका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, 31-37 यहां नहीं किया, यहां 71 फिर लास्ट मैच में 15, तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि स्मॉल लीग की अगर आप लोग टीम बना रहे हो ना, तो दोनों में से, इनफैक्ट मेगा ग्रैंड लीग पे भी दोनों में से किसी एक को आप लोग अपने टीम पर लेकर चलना। और अगर आप लोग रिस्क टेकर्स हो, मेगा ग्रैंड लीग पे अगर कोई है जो ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके चल रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे, आप लोग इन दोनों को पिक करके चल सकते हो, क्लियर। बाकी अंबती राइडू का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है दोस्तों, अंबती राइडू इंपैक्ट प्लेयर पे भी आएंगे, तो अंबती राइडू को मैं ड्रॉप करके चल रहा हूं। यहां पर देखोगे तो दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम पर आप लोगों को शिखर धवन दिखेंगे, 40 रन 46 रन 99 रन, 8 रन पे फ्लॉप हुए थे, उसके बाद इंजरी हुई थी, लास्ट मैच में आए थे, 1 रन पे आउट हो गए, बट दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है शिखर धवन का, यहां देख लो 28 मैच में 44 का एवरेज है, 50 8 बार और सेंचुरी 1 बार बना चुके हैं अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग, और वेन्यू पे 9 मैच खेला है जिसपे 38 का एवरेज है, 63 नॉट आउट बेस्ट स्कोर है। मेरे हिसाब से शिखर धवन इस मैच के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, टीम पर आप लोग कंसिडर करके चलिएगा। बाकी अथर्व टाइडे की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट मैच में इन्होंने 66 रन की बारी खेली, उससे पहले 0-4 और 29 रन, मैं इस मैच पे अथर्व टाइडे को ड्रॉप करके चलूंगा। बात करूं दोस्तों शाहरुख खान की, तो डेथ पे खेलने आते हैं, एकदम डेथ पे खेलने आते हैं, ठीक है, इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, 22-23 7-0-0, शाहरुख खान को भी मैं ड्रॉप करके चलूंगा। तो बैटिंग वाला सेक्शन वैसे बहुत सिंपल सा सेक्शन है, क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ शिखर धवन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल पिक में अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे रहेंगे। अगर मेगा ग्रैंड लीग पे रिस्क टेकर्स ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करते हो, तो अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ऑप्शन रहेंगे, मतलब बैटिंग वाले सेक्शन पे 4 प्लेयर ही है, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और शिखर धवन, जो कि आप लोगों को पॉइंट देने वाले हैं इस मैच में, क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोगों को मोइन अली दिखेंगे और रविंद्र जडेजा दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग के टीम। मोइन अली को देखो 7 रन 1 विकेट 19 रन 1 विकेट, यहां पर फ्लॉप, यहां पर 1 विकेट, यहां पर 23 रन, विकेटलेस, क्लियर, इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, इससे पहले वाले मैचेस पे 1 मैच में 4 विकेट भी निकाला था इन्होंने, क्लियर। वेन्यू पे देखोगे तो 4 मैच में 6 विकेट निकाला है, मतलब 1.5 विकेट का एवरेज है वेन्यू पे, इस बात को ध्यान रखिएगा,
क्लियर। और एक बार वेन्यू पे 50 भी बना चुके हैं, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, ड्रॉप करना रिस्की रह सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आप लोगों को पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए टीम पर कंसीडर करके चलिएगा। रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं तो ये तो सुपर फॉर्म पे चल ही रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। यहां देखो 25 रन 2 विकेट, यहां फ्लॉप, यहां 3 विकेट, यहां 18 रन 1 विकेट, यहां 23 रन 1 विकेट, पूरे अपने 4 ओवर कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों, ड्रॉप करके मत चलना मेगा ग्रैंड लीग या किसी भी लीग पे, दोनों को आप लोग लेकर ही चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम पर, तो यहां पर आप लोगों को सिकंदर रजा दिखेंगे, ठीक है इनका परफॉर्मेंस वैसे 57 रन फिर 8 विकेट, 36 रन विकेटलेस गए थे, यहां देखोगे 16 रन 1 विकेट, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्पिन को एडवांटेज रहा पिच पे तो बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे, प्लस बैटिंग अच्छा करते हैं, क्लियर। लियाम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, यहां फ्लॉप रहे, यहां 1 विकेट निकाला, यहां 23 रन और 1 विकेट, ठीक है दोस्तों लियाम लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक है, क्लियर। मैं बताऊंगा अभी इनमें से आप लोग किसे ओल्ड फॉर्मेट पे ड्रॉप करके चल सकते हो, बट न्यू फॉर्मेट पे 5 ऑलराउंडर लेकर चल सकते हो, तो 5ों को ले लेना, सीधी बात है। सैम करन दोस्तों इंपॉर्टेंट है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, ध्यान रखिएगा 5 मैच पे 4 मैच पे मेंबर रहा है परफेक्ट प्लेइंग 11 का, आंख बंद करके लेना है सैम करन को भी, क्लियर। तो यहां से मोइंग अली, रविंद्र जडेजा, सैम करन, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, सुपर इंपॉर्टेंट। बाकी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से टीम बनाते हो तो इन 5ों ऑलराउंडर को लेकर चलना, ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से टीम बनाते हो तो दोस्तों यहां पर सिकंदर रजा और लियाम लिविंगस्टन, ये दोनों आप लोगों के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में आप लोग क्योंकि 4 ऑलराउंडर लेकर चल सकते हो, तो मेरे हिसाब से सैम करन, रविंद्र जडेजा, मोइंग अली मस्ट पिक रहेंगे, डिफरेंशियल आप लोगों के बीच में सिकंदर रजा और लियाम लिविंगस्टन ही रहेंगे, क्लियर। बट दोनों हाई पोटेंशियल प्लेयर है, इसीलिए न्यू फॉर्मेट पे दोनों को लेकर चलना है। मैं सजेस्ट करूंगा इस मैच को न्यू फॉर्मेट पे ही खेलिएगा, क्लियर। मेरे हिसाब से न्यू फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। बाकी दोस्तों आज के गिव अवे का क्वेश्चन सुन लो, आप लोगों ने मुझे बताना है मोइंग अली इस मैच में दोस्तों कितना रन बनाएगा, प्लस उनके बॉलिंग का क्या फिगर रहने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि मोइंग अली इस मैच में 20 रन बनाएगा और 1 विकेट लेगा 18 रन देकर, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। जिनका जवाब दोस्तों एग्जैक्ट सही जाता है वो 1,00,000 रुपए का कैश अवार्ड विन कर सकता है। तो सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन पे पक्का से कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो होपफुली आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो दोबारा से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा लीजिएगा। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मतीशा पथिराना दिखेंगे, पूरे अपने 4 ओवर करते हैं और सिलेक्शन परसेंटेज मैं देख रहा था 20% के आसपास है, क्लियर दोस्तों। गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी यॉर्क लेंथ पे बॉलिंग डालते हैं, विकेट्स नहीं मिला है यहां पर, देखो 1-1 है, बट दोस्तों हाई पोटेंशियल प्लेयर है, 3 विकेट या 4 विकेट इजिली निकाल सकते हैं टीम के लिए, डेथ पे बॉलिंग करते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज मत देखना दोस्तों, पिक करके ही चलिएगा, क्लियर। तुषार देशपांडे की अगर मैं बात करूं तो इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, 2 विकेट 3 विकेट, यहां विकेट लेस फिर 2 विकेट 2 विकेट, पिक कर लीजिएगा दोस्तों, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है तुषार देशपांडे का। महेश तिक्सेना की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां देखो 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, अब ये डिफरेंशियल पिक रहेंगे। अगर सीएसके की टीम दोस्तों सेकेंड इनिंग्स पे बॉलिंग करने आ जाती है तो फिर महेश तिक्सेना भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में शायद उतने इंपॉर्टेंट ना रहे क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में स्पिन डोमिनेट करता है। तो मोइंग अली हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, महेश तिक्सेना हो गए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाएंगे, तो सेकेंड इनिंग्स के लिए पक्का से पिक कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग्स में आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, मतलब ये डिफरेंशियल पिक है। मैं बोलूंगा नहीं कि इसे लेना ही है, बट हाँ मतेश पथिराना और तुषार देशपांडे को लेकर ही चलिएगा। बाकी दोस्तों आकाश सिंह की अगर मैं बात करूं तो शुरू में ओवर करने आएगा, ठीक है, और पंजाब किंग्स के जो स्टार्टिंग के बैट्समैन है जैसे प्रभसिमरन सिंह हो गए वो आउट हो सकते हैं इनसे, तो 1-2 विकेट निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बट स्टिल दोस्तों लेने का मौका नहीं मिलेगा।
राहुल चहर की मैं बात करूं तो इनका फॉर्म तो बहुत ही बेकार चल रहा है, क्लियर। 6-7 मैच हो चुके हैं, विकेट लेस गए हैं, ड्रॉप करके ही चलिएगा बिकॉज फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी गुडनूर बरार की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भी आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, इतना कुछ खास फॉर्म मुझे लगा नहीं है। बाकी कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, कगिसो रबाडा को भी पिक कर लीजिएगा और अर्शदीप सिंह को भी पिक कर लीजिएगा। स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में टीम बॉलिंग करने आती है ना पीबीकेएस की, तो इन दोनों को पिक कर लीजिएगा। सेकेंड इनिंग्स में आप लोग चाहो तो इन दोनों में से किसी एक के साथ भी जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो दोनों इंपॉर्टेंट बॉलर है, दोनों अपने पूरे 4 ओवर भी करते हैं। क्लियर है बॉलिंग सेक्शन। अच्छा अब इंपॉर्टेंट मैचअप्स देख लो एक बार, अगर मैचअप की बात करोगे तो यहां देखो, यहां पर कुछ खास मैचअप है नहीं। तुषार देशपांडे ने सैम करन को एक बार आउट किया है, मोइंग अली ने भी सैम करन को एक बार आउट किया है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप दिख नहीं रहा है। बाकी यहां पर अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा ने काफी परेशान किया है, देखो ऋतुराज गायकवाड़ को, अजिंक्य रहाणे को, मोइंग अली को, डिवॉन कॉनवे को, बाकी कगिसो रबाडा ने भी परेशान किया है, और ये दोनों हमारे टीम के मेंबर है तो इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा ही हमारे लिए, दोनों को पिक करके चल रहे हैं। राहुल चहर और सैम, इतना यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, क्लियर। तो यही इंपॉर्टेंट मैच है अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा का ही, आप लोग देख लीजिएगा जब आप लोग टीम बनाते हो तो इस स्क्रीन को एक बार देख लीजिएगा पक्का से। बाकी अभी के टाइम पे दोस्तों जो स्मॉल लीग की टीम है वो कुछ इस तरह से है, यहां मैंने डिवॉन कॉनवे को लिया है, यहां मेरे पास शिखर धवन है, ऋतुराज गायकवाड़ है और अजिंक्य रहाणे है, शिवम दुबे आप लोगों के पास यहां पर डिफरेंशियल पिक रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा और डिफरेंशियल देख लीजिएगा। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे रविंद्र जडेजा, मोइंग अली और सैम करन मस्ट पिक प्लेयर के आगे मस्ट पिक लिख देता हूं, जैसे ये मस्ट पिक प्लेयर है, शिखर धवन मस्ट पिक प्लेयर है, ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट पिक प्लेयर है, ये दोनों यहां पर डिफरेंशियल हो गए, रविंद्र जडेजा मस्ट पिक, मोइंग अली मस्ट पिक, सैम करन मस्ट पिक। बाकी लियाम लिविंगस्टन हम लोगों के डिफरेंशियल पिक रहेंगे, किसके साथ, सिकंदर रजा के साथ, क्लियर। बाकी यहां पर कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट पिक है, अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट पिक है, बाकी तुषार देशपांडे इंपॉर्टेंट पिक है, यहां पर आप लोगों ने मतीशा पतिराना को भी ट्राई करना है, लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है दोस्तों, गेम चेंजर बन सकता है, क्लियर। तो अगर आप लोग न्यू फॉर्मेट के हिसाब से टीम बनाओगे ना, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप लोग टीम पर काफी कुछ एडजस्ट कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को हर प्लेयर के बारे में बता दिया है ताकि आप लोग कंफर्टेबली अपने लिए टीम बना पाओ। बाकी कैप्टन के अच्छे कंटेंडर दोस्तों इस मैच पे सैम करन रहेंगे, और वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर डिवॉन कॉनवे या शिखर धवन रह सकते हैं। वैसे डिवॉन कॉनवे का वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छा है, प्लस डिवॉन कॉनवे विकेट कीपिंग तो करेगा नहीं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी करेंगे, तो डिवॉन कॉनवे और सैम करन अच्छे चॉइस रहेंगे। मेगा ग्रैंड लीग के लिए पंट पिक अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो यहां पर आप लोगों के लिए मोइंग अली वो पंट पिक बन सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन के पास वो पोटेंशियल है पंट पिक बनने का, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के मेगा ग्रैंड लीग के पंट पिक बन सकते हैं, मतलब सीवीसी के कंटेंडर, क्लियर है, ओके। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ माय 11 सर्कल आपको दोस्तों पक्का से एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर आप सभी लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है दोस्तों, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलें। धन्यवाद दोस्तों।